Aditi Verma. मैं 23 की कोविडन डाउन सिंड्रोम लड़की हूँ. मैं आपके साथ मेरी लाइफ की एक जर्नी शेयर करूँगी. मेरे बचपन उम्र के बच्चे से अलग था. मैं बहुत लड़की हूँ. मेरे पेरेंट्स ने मुझे और मेरे भाई को अलग नहीं समझा. जब मैं चलती थी मैं थक जाती थी और सांस होने लगी थी और डॉक्टर ने कहा था कि मेरे हाथ में होल है, तुरंत ऑपरेशन करना है करके तब मैं 2.5 ईयर की थी. तब मेरी ओपन हार्ट सर्जरी हुआ था. मेरे स्कूल की जर्नी अच्छी नहीं थी. उसमें मुझे पढ़ना नहीं आता था, टीचर की बात भी समझ नहीं पाती थी और मेरे बच्चे मुझे मजाक उड़ाते थे. मेरे फादर 2005 में मेरे फादर नीवे वोमेन में शिफ्ट हुए. उसमें मैं डॉक्टर कंसल्ट किया, स्पेशल स्कूल में गई, वहाँ पे मेरी लाइफ बेटर होने लगी. 2005 में मेरे फादर नीवे वोमेन में शिफ्ट हुए. वहाँ पे मेरे एडमिशन स्वामी ब्राह्मण प्रसाद में कराया. स्वामी ब्राह्मण प्रसाद में मैं वहाँ पे मैं स्पेशल स्कूल सेक्शन से वहाँ पे मैं डे टू डे ट्रेनिंग हिसाब से सिखाया जाता था. वहाँ पे मैं पढ़ने के साथ साथ गेम भी खेलती थी और वहाँ पे मुझे सारे मेडल बहुत मिलते थे. मुझे कुकिंग में इंटरेस्ट था. मैं यूट्यूब देखती थी, उसमें मैं अलग अलग डिश बनाती थी और जिसका भी बर्थडे होता था तो मैं केक बनाती थी और चॉकलेट भी बनाती थी. मेरा वोकेशनल ट्रेनिंग के बाद मेरे पेरेंट्स के साथ ऑफिस जाती थी. वहाँ पे मैं डेटा एंट्री काम करती थी. डेटा एंट्री के बाद वहाँ पे मुझे अच्छा नहीं लगता था तो मैंने चाय वाले को देखा. तभी मैंने चाय वाले को आरिया मेरे पेरेंट्स को बताया कि माँ मुझे कुछ अलग करना चाहती हूँ. तभी मेरे पेरेंट्स ने आरिया अदिति कौन का, खासकर मेरे भाई अमन जो बेटे का रहा चेन्नई में, मुझे 1 जनवरी 2016 को अदिति कौन गिफ्ट दिया. अदिति कौन में शुरू करने के बाद मुझे पॉजिटिव चेंज दिखा और एक्टिव दिखा. उसमें मुझे वहाँ पे अदिति कॉर्नर में मैनेजमेंट, बिल बनाना, शॉगन दिया रखना और कस्टमर का ऑर्डर लेना, कस्टमर से फीडबैक लेना लेती हूँ. और मेरा जब मैं छोटी थी मैं मास्टर शेफ ऑफ इंडिया देखती थी. उसमें मैं खासकर विकास खन्ना की बहुत बड़ी फैन थी. मुझे 14 दिसंबर 2017 में मेरा बहुत खास दिन था क्योंकि विकास खन्ना सर मेरे कैफे में आए. उसमें सारी बात की और खाना बनाने की टिप भी दिया. मेरा एक ड्रीम है, मुझे अतिथि खाना को बड़ा करना है और उसमें मुझे पैसे बच्चे को ट्रेनिंग कराना है और कॉन्फिडेंस भी दिलाना है. मैं सारे पेरेंट्स को बोलना चाहती हूँ, हम पर विश्वास कीजिए. आपका विश्वास हमें स्ट्रेंथ मिलेगा. व्हेन आई कैन डू व्हाई दे कांट. मैं सबको थैंक यू बोलना चाहती हूँ, खासकर मेरे टीचर को, फ्रेंड्स को एंड मेरी फैमिली मेम्बर को, क्योंकि जो मैं कर रही हूँ आगे आगे मैं बढ़ रही हूँ. आप लोगों ने मोटिवेट किया. थैंक यू.